सिर्फ में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की और राहुल गांधी को ईडी का सम्मन जारी होने पर अपना आक्रोश। नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को ईडी दफ्तर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश भर में कांग्रेस में मौन धारण कर सत्याग्रह किया, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग में कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित दुर्ग जिले के तीनों क्षेत्रों के स्थानीय अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। दुर्ग में हिंदी भवन के सामने गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेसियों ने मुंह पर काली पट्टी लगाकर और बाजुओं में काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन कर बीजेपी की मोदी सरकार पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं दुर्ग विधायक अरुण वोरा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। चाहे कितना भी आरोप बीजेपी लगा ले, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होगी। कांग्रेस हमेशा सत्य की राह पर चलने वाली पार्टी है। सत्यमेव जयते के सिद्धांत पर ही कांग्रेस पार्टी ने आज तक का कार्य किया है। बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते इस तरह का कार्य कर रही है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी पर दबाव डाल रही है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद व पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी व प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद पैदल ही ईडी दफ्तर की ओर निकले। पुलिस ने बैरिगेट लगाकर कांग्रेस नेताओं के मार्च को रोका। इसके बाद राहुल गांधी कार से प्रियंका के साथ ईडी मुख्यालय पहुंचे थे। इस पर शहर विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस जन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ मौन धरना कर रही है और इसलिए कर रही है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर मनगढ़ंत बेबुनियाद आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है। सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी का जो समन उन्होंने जारी किया है वो पूरी तरीके से झूठ की बुनियाद पर आधारित है और इसका विरोध न केवल कांग्रेस जन बल्कि पूरे देशवासी कर रहे हैं, क्योंकि देश की आज़ादी से लेकर आज तक गांधी परिवार के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। वह अविस्मरणीय रहा है। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्यमेव जयते इस सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी चलती है और आप देखिएगा कि जीत सत्य की होगी। और राहुल गांधी के ऊपर और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी का जो समन जारी किया है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होगा। जनता पार्टी के साल में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के साथ केवल छल ही किया है। जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था उस घोषणा पत्र के आधार पर एक भी कार्य उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, हम कृषि के क्षेत्र में कार्य करेंगे और जितने भी जो हमारे क्षेत्र होते हैं सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए कैसी रहनी है। मतलब अपने घोषणा पत्र में जिन जिन वायदों का उन्होंने उल्लेख किया था उसका एक का भी परिपालन उन्होंने नहीं किया। इसलिए केवल अपनी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होता, मतदाता अगर पीठ थपथपाते हैं तो कुछ बात समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं बोलना चाहिए कि झूठे सब जो बात दिखाकर वो सत्ता पर तो आ गई है, लेकिन उनका मूल्यांकन आने वाले चुनाव में देश के मतदाता करेंगे और उन्हें सत्ता से बाहर का असर। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।